ये तो कचरा ट्रक है, मैं इसे देख सकता हूँ और सूंघ सकता हूँ। वाह टैब, यहाँ तक कि तुमको भी बदबू आ रही है जबकि तुम एक रोबोट हो। रुको, ये भिन भिनाहट की आवाज कहाँ से आ रही है? ओह मक्खियाँ। हे देखो टैब, वो मक्खियाँ कचरे के ट्रक में चली गई। मेरा एक सवाल है, आखिरकार मक्खियों को कचरा क्यों पसंद है? अच्छा आइडिया है टैब, हम जवाब जानने के लिए कचरा ट्रक में जा सकते हैं। इसके लिए हमें विंग्स चाहिए। विंग्स कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। आइए जाने की मक्खियों को कचरा क्यों पसंद है। हम छोटे हो रहे हैं। अपनी सांसें पकड़ो टैब, हम अंदर जा रहे हैं कचरा ट्रक में। आपका स्वागत है, मैं हूँ मक्खी होरेस। ऐसा लग रहा है आप यहाँ पहली बार आए हो। हेलो होरेस, मैं ब्लिपी हूँ। हाँ, मैं पहली बार कचरा ट्रक के अंदर आया हूँ। थोड़ा बदबूदार है। मेरे लिए नहीं, मुझे गंद पसंद है। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये मेरे लिए खेलने की जगह है। ओ नहीं, इसके लिए माफी चाहता हूँ। हे होरेस, मक्खियों को कचरा क्यों पसंद है? क्योंकि ये स्वादिष्ट है और कचरा मुझे उड़ान देता है। हमारे पास बदबूदार बीन्स, सड़ा हुआ पनीर, चिकना पिज्जा बॉक्स और यहाँ तक की बचे हुए मिस्ट्री मैश भी है। सॉरी, ये शायद बीन्स की वजह से है। मैं तुम्हें नजदीकी बगीचे या फ्लाई रेस्तरा की सवारी दे सकता हूँ। होरेस, होरेस तुम कहाँ हो? बहुत कुछ नया कचरा आ रहा है। ओ ये केक है। अरे नहीं, ये केक नहीं था। हालांकि अभी भी अच्छा है, इसमें कूद जाओ और सारा कचरा खाओ। होरेस में अब काफी शक्ति आ गई है। आहा, मुझे लगता है कि मेरे पास इसका जवाब है क्यों मक्खियाँ कचरे की तरफ जाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें गंद पसंद है और वहाँ भोजन ढूंढती हैं। ये एक पागलपन है। उत्तर अपलोड करो टैब। हाँ सर ब्लिपी, तुम जानते नहीं मेरे लिए कचरा ट्रक है 24/7 रेस्तरां है जहाँ मैं जब चाहे खा सकता हूँ। जाओ होरेस, थैंक्स। चीयर्स ब्लिपी। उछलती हुई रेत के टीले, यहाँ तक कि बाउंसर भी। वाह, क्या अद्भुत रेत का महल है। लहर आ रही है। ओ नहीं, उस लहर और महल का कोई मुकाबला नहीं था। मुझे आश्चर्य है, क्या मैं एक रेत का महल बना सकता हूँ जो बह नहीं पाए? हाँ, तुम सही हो टैप, पता लगाने का एक ही तरीका है। मुझे अपना खुद का एक रेत का महल बनाने की जरूरत है। मुझे खुदाई करने वाले हाथ और मकड़ी के पैरों की आवश्यकता होगी। खुदाई करने वाले हाथ, मकड़ी के पैर तैयार। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट किया जाए। ब्लिपी मोबाइल कार्रवाई के लिए तैयार है। चलो एक रेत का महल बनाते हैं जो बह नहीं पाएगा। अब हमें खुद से रेत के महल का आकार बनाने की जरूरत है। हम छोटे हो रहे हैं। उस ठंडी समुद्री हवा को महसूस करो टैप। वाह, हेलो, मैं हूँ केकड़ा और मेरा नाम है क्रैबी। आपसे मिलकर खुशी हुई। अच्छा क्रिकी, मुझे अपनी ताकत का कोई अंदाजा नहीं। हेलो क्रैबी, मैं ब्लिपी हूँ और ये है मेरी ब्लिपी मोबाइल। मुझे ये काफी पसंद आया, तो क्या तुम मजे के लिए इस पर सवार हो? सही कहा क्रैबी, मैं यहाँ आया ही इसलिए हूँ कि ऐसा रेत का महल बना सकूँ जो पानी से बह न सके। तुम बिल्कुल सही केकड़े के पास आए हो, मैं खोदता हूँ और महल बनाता भी हूँ। मैं मदद कर सकता हूँ ब्लिपी। बढ़िया, तो पहली चीज जो हम करने जा रहे हैं वो एक मोट बनाना। यह गड्ढे के लिए एक फैंसी शब्द है।
गड्ढे की वजह से पानी उसमें चला जाता है और उसके पीछे जो कुछ है उसे नहीं बहा पाता है। तो चलो खोदते हैं। खोदो 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 खोदो। वाह क्या गड्ढा बनाया। चलो अब रेत का महल बनाते हैं। तुम सही हो टैप, हमें एक फावड़ा चाहिए। काम खत्म, महल तैयार है। तुम पहले ही बना चुके हो और हमारा गड्ढा बिल्कुल सही बना है। मोट वो गड्ढा है जो हमने रेत के महल के चारों ओर बनाया है। अच्छा गड्ढा और रेत का एक सुंदर महल। लहर आ रही है। खाई ने काम किया क्रैबी। इसका मतलब है कि मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। क्या मैं एक रेत का महल बना सकता हूँ जो धुलता नहीं है? मैं पानी रोकने के लिए इसके चारों ओर एक गड्ढा बना सकता हूँ। उत्तर अपलोड करो टैब। थैंक्स क्रैबी, बाद में मिलते हैं ब्लिपी। काम करते रहो। वाह टैब, ये उछलता हुआ महल इस दुनिया का नहीं लग रहा है। मैं सोचता हूँ चांद पर उछलने में कैसा लगेगा। बेहतरीन आइडिया टैब, हम चांद पर जाकर पता लगा सकते हैं। मुझे एक रॉकेट बूस्टर, एक्सवेटर आर्म और फ्रॉग लेग्स चाहिए। रॉकेट बूस्टर, एक्सवेटर आर्म और फ्रॉग लेग्स कंफर्म। ठीक है, चलो इसे एक्सप्लोर करते हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांचक धमाका करने के लिए तैयार है और वहाँ है चांद। वाओ! ठीक है, उतरने का समय आ गया। मुझे गुदगुदी हो रही है। तुम कौन हो? मेरा नाम रॉकी द मोर रॉक है, क्योंकि मैं हूँ एक चट्टान। हे रॉकी, मेरा नाम है ब्लिपी और इसका नाम है टैब। हम यहाँ पर यह पता लगाने के लिए आए कि चांद पर उछलना कैसा लगता है। एक चट्टान होने के नाते मैंने इसे खुद कभी नहीं आजमाया, लेकिन मुझे देखने दो कि क्या मैं उठ सकता हूँ। ठीक है, चलो फिर उछलते हैं। चा, मैं एक पंख की तरह हल्का महसूस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मुझे इसमें इतना मजा आएगा। मैं काफी हैरान हूँ कि हम यहाँ इतने लंबे समय तक तैर रहे हैं और नीचे आने में इतना समय क्यों लग रहा है। ये है ग्रेविटी के कारण। ये वो शक्ति है जो चांद के जूतों को जमीन पर रखती है और ये चीजों को वापस नीचे खींचती है। लेकिन 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 पृथ्वी की तुलना में चांद के चारों ओर कम ग्रेविटी है, क्योंकि चांद बहुत छोटा है। इसलिए इतने लंबे समय तक हम तैरते रहते हैं। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि चांद पर कैसे उछलते हैं। ये बहुत मजेदार है और उछाल वास्तव में बहुत ऊंचा है, क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तुलना में कम गुरुत्वाकर्षण या फिर कहीं ग्रेविटी है। उत्तर अपलोड करो टैब। हमें ऐसा लगता है कि हम तैर रहे हैं, लेकिन ग्रेविटी धीरे धीरे हमें नीचे की ओर खींच रही है। चा। मेरे यानी रॉकी द मून रॉक के साथ सबसे बेहतरीन समय बिताने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। वाह रॉकी, उछलते रहो ब्लिपी।